एवरीवन, आज मैं एक शॉपिंग बैग लेके आई हूँ जो बहुत इजी बन जाएगा। तो उसके लिए देखिए, मैंने एक ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये मैंने पुराने बैग होते हैं उनका कपड़ा ले लिया है, और ये लाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे एक मोटा कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई मैंने लिया है 19 और इसकी चौड़ाई मैंने लिया है 15। तो अभी मैं इसको तीनों साइड से सिल लूँगी, ये और ये और ये, तीनों तरफ से, और ऐसा मैं दो कपड़ा लूँगी। इसी के साइज़ का मैं ऐसा दो कपड़ा लेके और तीनों साइड से ऐसा सिल लूँगी। ये देखिए, मैंने दोनों कपड़े में ये कपड़े डालते हुए इसको अच्छे से सिल लिया है तीनों साइड से। ये जो मेरा ऊपर का भाग रह गया है, यहाँ पे मैं ये देखिए ऐसा प्रिंटेड कपड़े ले लिया है मैंने, इसको यहाँ पे मैं ये देखिए ऐसा सीधे के साइड करके और इसको यहाँ पे ऐसे पलट दूंगी। ये देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने लिया है 2.5 और इसकी लंबाई मैंने लिया है 27। ये देखिए, अभी मैं इस पे ये पट्टी जो मैंने काटा था वो लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरा उल्टा भाग है और ये सीधा, तो ये उल्टा का मुंह ऊपर रहेगा और इस पे मैं ऐसे रखते हुए इसको सिल दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको सिल लिया है। अभी मैं इसको आगे के साइड, ये देखिए मैं ऐसे आगे के साइड इसको करते हुए यहाँ पे, ये आपके पास कोई भी लेस होगा आप लगा लेना, मेरे पास ये है तो मैं ये लगा रही हूँ। ऐसे मेरा दोनों हो गया है और अभी मैं ये दोनों साइड से इसको सिल दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको सिल लिया है और अभी मैं इसको सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको यहाँ के लिए मैंने एक पट्टी लिया है इसका बेस बनाने के लिए। तो ये देखिए इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 5.5 है और इसकी चौड़ाई है 9.5। तो अभी मैं इसका सेंटर निकालूंगी। सेंटर पे और इसको ऐसे रखते हुए मैं सिल दूंगी। देखिए, मैंने इसको सिल लिया है यहाँ पे सेंटर से, सेंटर मिलाते हुए। अभी मैं ये वाला जो इसका है इसको ऐसे पकड़ते हुए दोनों साइड सिल दूंगी, इधर भी और इधर भी। ये देखिए, मैंने इसको दोनों साइड सिल दिया है। अभी मैं इसको सीधा करूंगी। सीधा करके मैं इस पे ऐसा हैंडल लगाने के लिए बना लूंगी। ये देखिए, यहाँ पे हैंडल लगाने के लिए मैंने पट्टी ले लिया है, लंबाई मैंने 18 लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने लिया है 3। और इसी पे मैं एक पट्टी लगाते हुए ये देखिए इसी के कपड़े का लेके ऐसा फोल्ड करके सिल दूंगी। ये देखिए, मेरा बैग अब बन के पूरा तैयार हो गया है, ये हैंडल भी मेरा तैयार हो गया है। तो अभी मैं इसका सेंटर निकालूंगी। तेरे का है 7.5। 7.5 पे मैं निशान लगाते हुए 3-3 इंच पे इसको हैंडल को लगा दूंगी। सेंटर से 3-3 इंच का दूरी पे मैं ये हैंडल को लगाऊंगी, पर ये हैंडल मैं अंदर से लगाऊंगी यहाँ पे। ये देखिए, हैंडल मैंने लगा दिया है और ये बहुत अच्छा खूबसूरत बैग तैयार हो गया है। इसमें आप कपड़े रखें,
या मार्केट जाने के टाइम आप भाजी रख सकते हैं या कुछ भी। तो ये बहुत यूज़फुल है, आप भी इसको बनाएं। थैंक यू।